ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी सोनाली बहन पढ़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज की वाणी का अभ्यास करने से पहले 1 मिनट साइलेंस में जाएंगे सभी बाबा के साथ। निराकार बथन में बैठकर साइलेंस को अनुभव करेंगे। सभी अपने मन बुद्धि को अपने बिंदु स्वरूप के ऊपर एकाग्र करेंगे। आत्मा लाइट का एक सूक्ष्म बिंदु अपने निराकारी वतन में, निराकारी शिव पिता के साथ, उनके समीप स्थित हो गई है। निराकार बिंदु स्वरूप आत्मा अपने निराकार पिता के साथ अपने स्वधर्म साइलेंस को, शांति को अनुभव कर रही है। अपने घर में आत्मा की अचल अडोल अवस्था एकदम स्टिल। परमात्मा पिता की, उनकी शक्तियों की महसूसता, उनके प्यार की महसूसता आत्मा कर रही है। ज्ञान सूर्य परमात्मा आत्मा में श्रेष्ठ ज्ञान का बीज डाल रहे हैं। अपने इसी स्थिर और साइलेंस की अवस्था में मैं आत्मा परमात्मा पिता के ज्ञान रत्नों को अपने में धारण कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो मुरली की तारीख है 4 फरवरी 1980। मुरली का टाइटल है भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। तो इस वाणी को कल और परसों के दिन में हमने ऑलरेडी पढ़ना शुरू किया था। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पढ़ने से पहले। बाबा ने जो वाणी में कहा था अब तक, उसमें बाबा ने बच्चों के भाग्य को देखा था और भाग्य को देखने के लिए बाबा ने 6 मुख्य पॉइंट्स लिए थे। उस आधार से भाग्य को देखा था जिसमें बाबा ने नाम, रूप, गुण, कर्तव्य, स्थान और संगम का समय, इन 6 आधार से बाबा ने बच्चों का भाग्य देखा। तो बाबा ने वर्णन कैसे किया भाग्य का? तो बाबा कहता है मेहनत। स्थूल वतन में बाबा कहता है आपकी सृष्टि में मेहनत लगती है, लेकिन
सूक्ष्म वतन में मेहनत नहीं लगती। तो साइंस और साइलेंस, इसको बाबा ने कंपेयर किया था। बाबा कहता है साइंस वाले जो होते हैं वो बहुत मेहनत करके चांद सितारों तक पहुंचते हैं, लेकिन हम आत्माओं का वो श्रेष्ठ भाग्य है जो बिना किसी मेहनत उस चांद सितारों से भी पार परम धाम में बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं, है ना। बाबा कहता है साइंस वालों को उनके इस मेहनत का कुछ ना कुछ फल मिलता है, लेकिन हमारी प्राप्ति बहुत अलग है। फिर बाबा ने हमारे देवताई रूप में जो हमारा भाग्य है उसको भी वर्णन किया था, जिसमें बाबा ने कहा ये जो साइंस वाले अभी का जो भी इन्वेंशन निकालते हैं उसका ही रिफाइंड रूप, जैसे कि आपकी वहां पर सिद्धि होगी। और यहाँ पर तो उन साइंस के साधनों को यूज करने में सुख के साथ कुछ ना कुछ दुख जुड़ा हुआ है, जिसको बाबा ने एक्सीडेंट के रूप में कहा था, लेकिन बाबा कहता है वहां इतना रिफाइंड रूप होगा कि आपको दुख नहीं होगा। तो ये भी भाग्य बाबा ने बताया। फिर बाबा कहता है ये जो सागर और पृथ्वी है वो क्या बनेंगे, थाली बनेंगे, इसलिए जहां पर आपके आगे सारे रत्न भर भर के आएंगे। तो रीति से बाबा ने हम आत्माओं के भाग्य का वर्णन किया था। तो ये जो हमारे भाग्य का सितारा है, बाबा कहता है हमेशा चमकता हुआ देखो। हाँ, और उसके आगे बाबा ने निमित्त सेवाधारी बहनों के साथ बात की थी, जहां पर बाबा ने विशेष सेवा के प्रति मार्गदर्शन किया था, जहां पर बाबा कहता है वायुमंडल को पावरफुल बनाने की बेहद सेवा करनी है। तो उसमें बाबा ने खास जो विशेष सेवा बताई थी कि एक तो खुद भरपूर रहना है जमा का खाता, और औरों को भी भरपूर कराना है। फिर बाबा ने कहा खुद शक्ति स्वरूप रहना है, औरों को भी आत्मा शक्ति स्वरूप स्थिति में रहने के लिए सहयोगी बने, औरों के प्रति शुभ भावना श्रेष्ठ कामना रखनी है। लेकिन इसके साथ बाबा ने और एक बात बताई कि ऐसे नहीं कि माया के वश फंसना है, जिसमें बाबा ने कहा कि भाववान बनो, जिनके प्रति शुभ भावना कामना रख रहे हो उनके ही भगत नहीं बन जाना, ये बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा सेवा स्थान जो है वहां का वायुमंडल कैसे बनाना है, अव्यक्त और शक्तिशाली। इसको समझाने के लिए बाबा ने स्थूल मंदिरों का उदाहरण दिया, जैसे मंदिरों में जाने के बाद थोड़े समय के लिए शांति शक्ति अनुभव होती है, वो खींचती है वहां का वायुमंडल आत्माओं को। तो हम तो यहाँ पर कौन है, बाबा कहता है चैतन्य में, यहाँ का वायुमंडल ऐसा हो जो अव्यक्त और शक्तिशाली हो। और इसको करने के लिए बाबा ने क्या कहा कि विघ्न आ जाते हैं, लेकिन उस विघ्नों का कारण क्या है, बाबा कहता है व्यक्त भाव में आ जाते हैं आत्मा, पार्ट के भाव में आ जाती है, व्यक्त भाव में आती है। तो अगर वायुमंडल को पावरफुल और शक्तिशाली बनाना है तो बाबा ने क्या कहा विधि, अव्यक्त स्वरूप की साधना करो, कि निरंतर अपने उस अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर ही पाठ में साक्षी होकर आना है, कि मैं आत्मा पाठ को प्ले करने के लिए भी निमित्त, तो वो वाली मेरी अव्यक्त स्थिति, इसकी साधना बाबा करना करने के लिए कहता है। फिर बाबा ने कहा कि अपने आप को चेक करो कि क्या मैं खुद आत्मा अव्यक्ता फरिश्ता स्थिति में हूँ, मेरा स्वरूप अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हुआ है, क्योंकि अगर मेरा ही नहीं बना है तो मैं आत्मा औरों के लिए सहयोगी निमित्त कैसे बन सकती। तो यहाँ तक हमने कल तक अभ्यास किया था वाणी को, इसके आगे की वाणी को हम आज अभ्यास करेंगे। बाबा ने कहा बाप के जो भी इशारे मिलते हैं उन इशारों को समझकर चलते रहो। अभी यह पूछने का समय गया कि कैसे पुरुषार्थ करें। अगर आप ही पूछेंगे तो और आने वाले क्या करेंगे ना। निमित्त सेवाधारी बहनों प्रति जो बाबा विशेष वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा, इसके प्रति जो महावाक्य बता रहे हैं, उसमें बाबा ने कहा अभी ये पूछने का समय नहीं है बाबा हम पुरुषार्थ क्या करें, है ना। तो बाबा कहता है आप ही अगर पूछेंगे तो आने वाले क्या करेंगे, इसीलिए जो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियां सुनाई हैं उनमें से एक भी युक्ति अपनाओ। जैसे बाबा ने कल कहा था अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना, है ना, ये भी एक विधि है। फिर बाबा ने विधि क्या बताई, शुभ भावना श्रेष्ठ कामना, ये भी एक विधि है। तो बाबा कहता है उसमें से एक भी युक्ति अपनाओ,
तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकेंगे। तो अब क्या करो और कैसे करो की भाषा समाप्त। मुरली में रोज क्या करो और कैसे करो की बातों का रिस्पॉन्स मिलता है। जो साकार वाणी का अभ्यास हम रोज कर रहे हैं, बाबा कहते हैं आपके सारे क्वेश्चंस का, है ना, सारी जो हमारी मुंजाइश है, कंफ्यूजन है, वो सारों का जवाब बाबा मुरलियों में देता है। बाबा कहता है अगर फिर भी पूछते हैं तो माना मुरली को प्रैक्टिस में लाने की शक्ति कम है ना। जो बाबा का डायरेक्शन है कि मुरली को जब आत्मा ग्रहण कर रही है, ज्ञान के बिंदु को ग्रहण कर रही है, तो कौन अंदर ले रहा है? आत्मभान वाला मन उसको सुने, आत्मभान वाली बुद्धि उस सुनी हुई बातों को समझ में परिवर्तन करे। जो बाबा ने भी अभी कहा ना, समझ कर करना है। तो जो भी सुन रही है आत्मा, उसको बुद्धि समझ में जो परिवर्तन कर रही है, तो बाबा कहता है तो मुरली को प्रैक्टिकल में लाने की शक्ति कम है। तो फिर भी सभी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा हम शरीक साथी अर्थात फ्रेंड समझते हैं। जो भी निमित्त सेवाधारी है अलग अलग स्थानों पर, बाबा उनको क्या टाइटल देता है? फ्रेंड्स, हम शरीक सेवा साथी। तो इसलिए फ्रेंड्स को मुबारक हो, लेकिन अपने फ्रेंड के समान ऐसे ही सदा सफलता मूर्त बनो। अगर एक फ्रेंड सदा सफलता मूर्त हो और दूसरा धीरे धीरे चलने वाला हो, तो हाथ में हाथ कैसे मिलाकर चलेंगे? बाबा सेवा साथियों को फ्रेंड्स कहता है। तो अगर एक दोस्त जो निरंतर आगे ही बढ़ रहा है, दूसरा नहीं उसके संग में उसके स्पीड से आगे बढ़ पा रहा है, तो वो पीछे रह जाएगा। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं करो, धीरे धीरे चलने वाला नहीं, अगर वैसे होंगे तो एक हाथ में हाथ देकर नहीं चल पाएंगे। तो वो जो कंबाइंड स्वरूप बाबा हमेशा कहता है वो नहीं रह पाएगा, तो आत्मा अकेला महसूस करेगी, है ना। इसलिए बाबा क्या कहता है कि क्या करना है, एक फ्रेंड सफलता मूर्त और दूसरा भी सफलता मूर्त हो। तो फ्रेंड्स माना ही समान साथी। परमात्मा अगर मेरा दोस्त है तो कैसे है, मैं भी उसके समान होनी चाहिए। पीछे पीछे आने वाले को फ्रेंड्स नहीं कहेंगे, है ना। दो दोस्त जो बहुत जिगरी दोस्त है वो कैसे चलेंगे? एक दूसरे के साथ चलेंगे, हंसते बहलते चलेंगे, एक दूसरे के कंधों के ऊपर हाथ डाल के चलेंगे, है ना, मस्ती करते हुए, एक दूसरे को शेयर करते हुए, जो भी रास्ते में दिखता है, दिखाई पड़ता है, वो देखते दिखाते चलेंगे, है ना, मन की बातें शेयर करते हुए। तो दोस्त दोस्त के साथ कैसे चलेगा? तो अगर परमात्मा मेरा दोस्त है इस राह पे, तो मुझे उस दोस्त के साथ कैसे चलना है? तो बाबा कहता है बाप हो मंजिल के नजदीक और बच्चे रुकने और चलने वाले हो। बहुत बार चलते चलते साइड सीन दिख जाते हैं, तो एक दोस्त वही साइड सीन को देखते हुए बैठ गया और दूसरा है वो आगे चला गया। तो हमारे जीवन में भी चलते चलते बहुत से साइड सीन्स आते हैं ना, कुछ अच्छे भी आते हैं रमणीक, कुछ दुखदाई भयानक चिंता पैदा करने वाले भी आते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उन सीन में उलझ कर वही देख कर नहीं रुकना है, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो तो उनमें नहीं उलझता है ना, वो साइड सीन समझ कर आगे निकल जाता है। तो मुझे भी क्या करना है, उसके समान साक्षी होकर आगे निकल जाना है उसके साथ में। तो बाबा कहता है कि बाप हो मंजिल के नजदीक और आप बच्चे रुकने और चलने वाले हो, तो पहुंचने के बजाय देखने के लाइन में आ जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं होना, साथ चलने वाले हो ना, बाबा पूछता है। फिर बाबा ने कहा पार्टियों के साथ बात करते हुए, तो बाबा क्या कहता है, सभी अपने को मोस्ट लकीएस्ट समझते हो, है ना। तो अब तक जो बाबा ने बात की, वो सेवा साथी की बात की, एक दोस्त की बात की, सदा साथ चलने की बात की, स्पीड सेम हो, फिर
रुके नहीं कहाँ पे, दोस्त के साथ चले, यहाँ तक ये बातें कही। फिर बाबा जो पार्टियों के साथ अभी बात कर रहा है, उसमें बाबा ने पहले ही क्या पूछा कि क्या अपने को लकीस्ट समझते हो, क्योंकि बाबा ये वाणी चला ही किस लिए रहा है, भाग्य को देख रहा है ना। तो बाबा पूछ रहा है कि क्या अपने को लकीएस्ट समझते हो, ऐसे अनुभव करते हो कि हमने जो देखा, हमने जो पाया, वह विश्व की आत्माएं नहीं पा सकती, है ना। कोई यूनिक चीज जब मुझे मिलती है जो औरों के पास नहीं होती है, कितना फकर होता है उस बात के ऊपर। तो मुझ आत्मा ने क्या पा लिया, मुझ आत्मा ने क्या देखा जो विश्व में किसी भी और आत्माओं का वो भाग्य नहीं। तो बाबा कहता है, तो वह एक बूंद के लिए भी प्यासी है और आप सब मास्टर सागर बन गए, है ना। अभी भी उस समय तो था ही, लेकिन अभी भी उल्टा ही और बढ़ गया है। भक्ति का प्रभाव, भक्ति की रस्में, भक्ति की रिवाजें और आत्माओं का जो भावना है, अगर हम देखेंगे अभी थोड़ा बाहर, तो कई गुना बढ़ गई है। किस किस रूप में भगवान को पुकारती है और उसकी कृपा पाने के लिए क्या कुछ ना आजकल आत्माएं कर रही है। मंदिरों में अगर जाएंगे तो भीड़ भीड़ बढ़ रही है, भीड़। तो बाबा कहता है, वो क्या कर रही है, पुकार रही है, किस लिए। उनको बस कुछ चाहिए, थोड़ा सा बहुत कुछ मिले, एक पल के लिए भी कृपा दृष्टि, तो कहे जीवन सवर जाए। और हमारे लिए क्या है, बाबा ने जैसे ऊपर कहा, दोस्त ही बन गया है, दोस्त ही बन गया है, जो उसके हाथ में हाथ देकर चलने का अधिकार उसने हमें दिया है। तो बाबा क्या कहता है, वो तो एक बूंद के लिए पैसे है और आप कौन बन गए हो, उसके समान मास्टर सागर बन गए। तो मोस्ट लकीएस्ट हुए ना, इतना बड़ा भाग्य मिला ना, तो ऐसा अपना भाग्य समझकर सदा चलते हो, तो क्या मुझे अपने इस भाग्य का स्मृति रहता है कि मैं ऐसी वाली भाग्यशाली आत्मा हूँ। क्योंकि भाग्य भी अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें भी मुझे जो भाग्य मिला है वो कौन सा है, भगवान को अपना कंपेनियन बनाना, उसको अपना साथी दोस्त बनाना, उसके हाथ में हाथ देकर चलना, तो ये बहुत बड़ा भाग्य मुझे मिला है। तो बाबा कहता है, ये रहता है स्मृति में, तो सारा दिन याद रहता है या प्रवृत्ति में भूल जाते हो। जो चीज अपनी हो जाती है वह कभी भूलती नहीं है, अपनी चीज पर अधिकार रहता है ना। तो बाप को अपना बनाया, इसलिए अपने पर अधिकार रहता है ना, तो अधिकार कभी भी भूल नहीं सकते। मेरी जो वस्तु है, मैं डिसाइड करूंगी उसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, किस लिए यूज करना है, क्योंकि मेरा उसके ऊपर अधिकार है। तो परमात्मा अगर मेरा है, मेरा उसके ऊपर अधिकार है, तो मैं कैसे अपने इस भाग्य को अनुभव करूं। तो बाबा कहता है, अपने पर अधिकार रहता है ना, अधिकारी कभी भी भूल नहीं सकते। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। याद अगर मुझे आत्मा को अपनी निरंतर एकरस रखनी है, तो बाबा कहता है, भल प्रवृत्ति में रहते हो लेकिन परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात क्या है, परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। परवृत्ति में रहना है, परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। तो ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। मुझ आत्मा को अगर बाबा के साथ निरंतर याद स्वरूप में रहना है, तो क्या करना पड़ेगा, परवृत्ति में रहना पड़ेगा, माना ही आत्मिक स्मृति में रहना पड़ेगा। जितना अपने को आत्मा समझकर चलेंगे, उतना इस पार्ट से जो भी हमारा है उससे डिटैच रहेंगे। पार्ट का कॉन्शियस एक है और एक है आत्मा का कॉन्शियसनेस, आत्मभान। ज्यादा समय पार्ट कॉन्शियस होते हैं, क्यों, क्योंकि खुद को आत्मा नहीं समझ रहे। जो रोल असाइन हुआ है वो रोल ही अपने को समझ रहे। तो रोल नहीं समझना है, बाबा कहता है सोल समझो, अपने को
आत्मा समझो, परवृत्ति में रहना है। तो ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है ना। आत्मा अपने को आत्मा समझकर रोल को प्ले करेंगे तो वो जो रोल है उसका, वो जो पार्ट है उसको उसको कैसे लगेगा, जैसे कि मैं ये खेल खेल रही हूँ, है ना। तो बाबा कहता है जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया, खेल में मजा आता है ना, इसलिए सहज लगता है। तो प्रवृत्ति में रहते खेल कर रहे हो, बंधन में नहीं। स्नेह और सहज योग के साथ साथ शक्ति की और एडिशन करो। तो बाबा क्या कहता है, स्नेह और सहज योग तो है ही, लेकिन उसके साथ क्या करना है, शक्ति स्वरूप शक्तिशाली स्थिति भी बनानी है, इसकी एडिशन करो। तो तीनों के बैलेंस से हाई जंप लगा लेंगे। एक तो स्नेह चाहिए जिसमें बाबा बहता कहता है जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। तो स्नेह युक्त याद होगी तो कैसी होगी, सहज होगी। और जितनी स्नेह युक्त जितनी सहज है उतनी ही क्या होगी, पावरफुल है ना। उसमें थकावट नहीं है, बुद्धि और मन की खींचातान नहीं है। स्नेह युक्त बाबा को याद कर रहे तो सहज भी है और शक्तिशाली भी हो। और इन तीनों के बैलेंस के साथ बाबा कहता है हम हाई जंप भी लगा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा इस नए वर्ष में विशेष अपने को साक्षात बाप समान बना के चारों ओर के तड़पती हुई आत्माओं को लाइट हाउस माइट हाउस बनकर रास्ता बताते चलो। बाबा ने क्या कहा, कर्तव्य को भी बताया। बाबा कहता है क्या करना है, एक तो लाइट हाउस और माइट हाउस, माना मैं आत्मा अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित और मेरे उस प्रकाश स्वरूप में मेरा शक्ति स्वरूप भी इमर्ज है। कब होगा, जब मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। तो बाबा के साथ जुड़कर मैं अपने प्रकाश स्वरूप लाइट स्वरूप में और शक्ति स्वरूप माइट स्वरूप में हूँ। अब जब मैं इस स्वरूप में अपनी ऊंची स्थिति में हूँ तो मेरी लाइट और माइट क्या कर रही है, अन्य भटकती हुई तड़पती आत्माओं को दिशा दिखा रही है। कौन सी दिशा, बाबा की तरफ आने के लिए, क्योंकि बाबा के पास आने से उन आत्माओं की सारी दुविधाएं कष्ट तड़प मिट जाएंगी। तो मैं लाइट और माइट हाउस क्या कर रही हूँ, तड़पती हुई आत्माओं को दिशा दिखा रही हूँ, रास्ता बता रही हूँ, है ना। तो बाबा कहता है लक्ष्य रखो। लक्ष्य रखना है क्या, कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना जरूर है। लक्ष्य बाबा कहता है रखना है, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति, है ना। बाबा जो हमेशा कई वाणियों में कहता है, कोई भी आत्मा कभी खाली हाथ नहीं जानी चाहिए, सूक्ष्म में तो कुछ ना कुछ वो अपने लिए लेकर जाए। तो क्या दे सकते हैं, बाबा कहता है लक्ष्य रखो, चाहे मुक्ति या जीवन मुक्ति। तो जब जब मैं आत्मा अपने इस लाइट और माइट स्वरूप में बाबा के साथ स्थित हूँ तो ऑटोमेटिकली ही वो वाइब्रेशन वो शक्तियाँ वो किरणें आत्माओं को बाबा की तरफ आकर्षित करती है। तो हमें ध्यान किसके ऊपर देना है, देने के ऊपर और अपनी स्थिति बनाने के ऊपर। स्थिति में जितना स्थित रहेंगे तो देना ऑटोमेटिकली होता है। स्थिति में स्थित होना या टेंशन मुझे देना है ना। तो बाबा कहता है कोई मुक्ति वाले हैं तो उनको भी बाप का परिचय देकर मुक्ति का वरदान दो। तो सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन जाएंगे। अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो लेकिन अभी बेहद के विश्व कल्याणकारी बनो। एक स्थान पर रहते भी मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा कर सकते हो। रहते एक स्थान पर है लेकिन विधि क्या है, मनसा शक्ति द्वारा मन को साफ स्वच्छ शुद्ध संकल्पों से शक्तिशाली बनाते हुए शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए, है ना, अपने उस शक्ति स्वरूप को शक्ति स्वरूप के आधार से अव्यक्त स्थिति के आधार से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना और वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली बनाना। तो विश्व सेवा कर सकते हो,
ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने खास इस वाणी में लाइट हाउस माइट हाउस बनने की और प्रवृत्ति में रहते भी परवृत्ति माना आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करने की बात करी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी एक विशेष सूचना है, मुरली जूम क्लब ज्वाइन करने के लिए 25 जून से 2024 से आगे के लिए क्लास में जुड़ने के लिए मीटिंग पासवर्ड अनिवार्य किया गया है। मीटिंग पासवर्ड 11 डालकर जूम पर अव्यक्त मुरली संगठन में अध्ययन करने के लिए ज्वाइन हो सकते हो, और ये पासवर्ड अब सुबह और शाम दोनों बैच के लिए अनिवार्य है। तो अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे, मुरली का मनन चिंतन। फिर सोनाली बहन आप कंटिन्यू कर सकते हैं बाद में पॉइंट शेयर करने के लिए। ओम शांति। पासवर्ड 11 कह सकते हैं, या 11 है, उसे डाल के जूम पे जुड़ सकते हैं। कल से रहने के दीदी तुम जानती है जी, कल से है या कल सुबह से? अच्छा, जी। ओम शांति। सोनाली सिस्टर आप कंटिन्यू करेंगे? जी, ओम शांति। ठीक, फिर अभी जिनको भी शेयर करना है आज के मुरली के पॉइंट्स, तो आप अपना चिंतन जरूर सुनाएं। ओम जी, शांति दीदी, ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है, फ्रेंड माना ही समान साथी, पीछे पीछे आने वाले को फ्रेंड नहीं कहेंगे। बाप हो मंजिल के नजदीक और बच्चे रुकने और चलने वाले हो तो पहुंचने के बजाय देखने की लाइन में आ जाएंगे। ओम शांति। जी, ओम शांति। सुशीला बहन जी, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। सुशीला दान। हाँ ओम जी, शांति। बाबा ने कहा, याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहने पर रहते परवृत्ति में रहना, परवृत्ति अर्थात आत्मिक स्वरूप। ओम शांति। जी दिलीप जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति ओम दीदी शांति, ओम जी। जो शांति। भाई आज बाबा ने कहा, कल की मुरली में कल पढ़े थे कि वायुमंडल को पावर बनाने का क्या साधन है। बाबा ने कहा था अव्यक्त स्थिति में आने का, हर समय अटेंशन रहे कि अव्यक्त स्थिति। बाबा उसी के लिए आज बोल रहे हैं कि अगर आप ही पूछेंगे कि जान आगे आने वाले क्या करेंगे, तो आप ही पूछते रहेंगे तो आने वाले क्या करेंगे। इसलिए जी। बाबा ने जो जो भिन्न भिन्न युक्तियां बताई है, उसमें से कोई भी एक भी युक्ति को अपना लेते हैं तो सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकते हैं। तो अब कभी भी ये नहीं कहना है कि क्या करूं कैसे करूं, क्योंकि ये भाषा समाप्त करके मुरली में जो रोज के पॉइंट आते हैं उसी को ध्यान देंगे तो अपने सफल हो सकते हैं। ओम शांति। जी, ओम शांति। अच्छा, ओम रवि दीदी। शांति। हाँ जी, गीता जी बोलिए। बाबा बोला जे ये नए वर्ष में विशेष अपने को साक्षात बाप समान बनाने, चारों ओर के तड़पती हुई आत्मा को लाइट हाउस माइट हाउस बनकर रास्ता बताते चलो।
और जी आत्मा को कुछ ना कुछ देना जरूर है, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। कोई मुक्ति वाले है तो उनकी भी बाप का परिचय दे और मुक्ति का वरदान दो, तो सर्वों के प्रति महादानी और वरदानी बन जाएंगे। ओम शांति। शांति। अच्छा रवि दीप जी आप बोल सकते हैं। जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं कि मुझे अपने बाप के इशारों को समझना है, अभी क्यों और कैसे में नहीं फंसना है। तो मुरली के पॉइंट्स को प्रैक्टिकल में लाना है। फिर बाबा मेरा दोस्त है, मुझे उस दोस्त के साथ ही चलना है। मैंने उसका हाथ पकड़ा है और उसके साथ ही कदम से कदम मिलाकर मुझे चलना है। किसी भी साइट सीन में उलझना रुकना नहीं है। हर साइट सीन को साक्षी रहकर देखते हुए मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं आत्मा लकीएस्ट स्टार हूँ, और आत्माएं अभी परमात्मा को पुकार ही रहे हैं, जबकि मुझे तो मेरा बाबा मिल गया है, मेरा दोस्त बन गया है। मैं उसी के समान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो बाबा मेरा है, मेरे लिए है। तो इस अनुभूति में रहते हुए मुझे निरंतर एक रस याद में रहना है और परवृत्ति में, माना साक्षी होके आत्मिक स्थिति में सदा रहना है और पार्ट से डिटैच्ड रहना है, इन्वॉल्व नहीं होना है, सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहना है। मैं लाइट हूँ, माइट हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये लगातार मुझ आत्मा को ये संकल्प फीड करते रहना है अपनी आत्मा को, और बाकी आसपास सब आत्माओं को भगवान का परिचय देकर उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना है। ओम शांति। ओम शांति। गौतम जी आप बात कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अपने आप को आप मोस्ट लकी समझते हो, जो पूरी दुनिया की आत्माएं एक बूंद की प्यासी हैं और आपको आपने वो देख लिया, आपने पा लिया, तो आप बोलते कितने लकी हो आप। तो आप बोलते ऐसे तो नहीं है कि आप प्रवृत्ति में रहते भूल जाते हो। तो आप बोलते प्रवृत्ति मतलब परवृत्ति, मतलब कि आत्मिक स्थिति में रहना। अगर बाबा बोलते अगर आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो ये सब जो भी कार्य करते हैं सब खेल अनुभव होगा और आप न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि स्नेह और सहज योग के साथ साथ शक्ति रूप भी चाहिए, क्योंकि तो बाबा बोलते हैं ना कि जो हम योग 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 लगाना मतलब कि सिर्फ ज्ञान के साथ साथ उनको भावना भी चाहिए होती है, तभी पावरफुल योग लगता है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं इसके लिए स्नेह शक्ति और सहज योग के साथ साथ शक्ति भी चाहिए। जी ओम शांति। गौतम जी आप बात कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं। हाँ जी बोलिए। बाबा ने आपके सारों में कहा, बाप समान न्यारे और प्यारे बनो। ओम शांति। जी ओम शांति। बोलूं दीदी, मेरी आवाज सुनाई दे रही? हाँ जी हाँ जी बोलिए। बाबा ने आज प्रवृत्ति में रहने वाले के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन दी कि प्रवृत्ति में रहते बट वृत्ति में रहना। प्रवृत्ति मतलब आत्मिक स्वरूप, मतलब सोल कॉन्शियस में रहना है। तो ऐसे सोल कॉन्शियस में रहेंगे तो हमें क्या होगा कि सदा न्यारा और बाप के प्यारे होंगे, और कुछ भी जो करेंगे प्रवृत्ति में तो ऐसा महसूस होगा कि हम काम नहीं कर रहे हैं, जैसे खेल कर रहे हैं। खेल में मजा आता है, इसी तरह सहज लगेगा, कोई भी उसमें बंधन नहीं लगेगा। तो बाबा ने कहा और स्नेह और सहज योग के साथ साथ मैं थर्ड पॉइंट शक्ति की भी एडिशन करनी है, तीनों का बैलेंस, मतलब सहज स्नेह, सहज योग और शक्ति का तीनों बैलेंस में रखेंगे तो क्या होगी कि हम लोग हाई जंप लगा सकते हैं, लगा लेंगे। बाबा ने कहा कि लक्ष्य रखना है कि सभी आत्माओं को कुछ ना कुछ जरूर देना है, चाहे मुक्ति या चाहे जीवन मुक्ति। ओम शांति।
शांति जी, जूम यू हाँ जी बोलिए। ओम शांति, ओम शांति। हाँ आज बाबा ने कहा कि हमें ऐसा परिवर्तन करना है स्वयं को आत्मा समझ के, कि हमें बाबा से कमांड शुरू कर ही रहना है और पूरे वर्ल्ड को शिकस्त देनी है, विश्व को शिकस्त देनी है, हर आत्माओं को शिकस्त देनी है और सभी आत्माओं को ब्राह्मण जीवन का के बारे में मतलब चाल चलन चेहरे से प्रत्यक्षता करनी है। और फ्रेंड्स तब बन पाएंगे हम जब हम कंबाइंड रूप में रहेंगे, अगर कंबाइंड रूप में नहीं रहेंगे तो आगे पीछे हो जाएंगे, तो फिर लाइन में लग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को यूज करो, कोई भी संबंध बना के जितने भी संबंध हम बना सकते हैं, तो हम जो अच्छा लगा कि बाबा से हमें हाथ से हाथ मिलाकर मन से सकाश देकर वायुमंडल की सेवा करनी है और बाप दादा को अपना साथी बनाकर ही रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। जी शांति। हाँ जी गायत्री जी जी हाँ जी, आज बाबा ने कहा है कि निर्मल आत्माओं को हमें शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरना है, यही हमारा विशेष कार्य है। बाबा ने हमको एक विशेष कार्य दिया है, निर्मल आत्माओं को हम निर्बल आत्माओं को हम शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना दे सकते, उसके लिए जी हमें श्रेष्ठ भावना अपने अंदर भरनी होगी। श्रेष्ठ भावना पे ऐसे नहीं रखते रखते भावनाओं को ले ले, मतलब भावनाओं में बह जाए, ये गलती नहीं करनी है। तो बाबा बार बार कहते हैं कि अपने आप को चेक करो कि आपका अपना वायुमंडल कितना चैतन्य है, आपका जितना शक्तिशाली और चैतन्य वायुमंडल होगा उतने तुम दूसरों को शुभ भावना शुभकामना दे सकोगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अव्यक्त स्वरूप की साधना करनी पड़ेगी। इसलिए हमें आज सारा दिन चेक करना है कि मैं कितना अव्यक्त फरिश्ता बना हूं, तभी मैं दूसरों को बना पाऊंगा। ओम शांति जी, ओम शांति। जयंत जी आप बात कर सकते हैं। ओम शांति। जी बाबा बच्चों को फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड करके मार्गदर्शन करते हैं। बाबा का ऐसा कहना है कि बच्चों तुम बाप समान बनो, बाप के गुण धारण करो, और बाप जैसा स्नेह का सागर है वैसा ज्ञान का सागर है, वैसा आप ज्ञान के सागर बनो। ओम शांति। जी ओम शांति। जी भोपाल भाई जी आप बात कर सकते हैं। ओम शांति। जी आज बाबा ने विशेष मुरली में डायरेक्शन दिया, इशारा भी दिया कि अब वो समय गया कि क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा है कि बाबा की मुरली ही जो है सब कुछ है हमारे लिए, तो उसके ऊपर बाबा ने विशेष अटेंशन देने के लिए कहा। साथ में बाबा ने कहा है कि निरंतर याद रहना है, तो उसकी सबसे सहज युक्ति बाबा ने बताई कि क्या करो, आत्मिक स्वरूप में सदा रहो। और बाबा ने हमें काम भी दिया कि क्या करो, सदा जो क्या करो आप देने का दाता बनकर, लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर सबको रास्ता बताते रहो, और महादानी वरदानी बनकर जो पूरे विश्व में प्रकाश फैलाते रहो। ओम शांति। जी ओम शांति। अच्छा डॉक्टर प्रिया जी आपको बात करनी है, आप अनम्यूट हो। अच्छा ओम शांति, ठीक है। तो जैसे सबने ने शेयर किया है, आज बाबा ने जो बातें बताई है, तो बाबा कहता है अभी पूछने की जरूरत वैसे नहीं है कि क्या करें कैसे करें, तो युक्तियां अनेक अनेक बताई है, उसमें से किसी भी युक्ति को अपना। तो आज भी बाबा ने जैसे वाणी में बताया है, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना है, माना ही आत्मिक स्मृति में रहना, फिर लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, दानी महादानी बनना है, और फिर विशेष बाबा ने आज जो बताया कि बाबा के साथ दोस्त का संबंध, हम शरीक, स्नेह साथी, सेवा साथी, तो बाबा के साथ साथ हाथ में हाथ देकर चलना है। तो ये भी कुछ युक्तियां विधियां बाबा ने आज पुरुषार्थ की बताई है, इनमें से भी कोई एक युक्ति अगर हम अपने जीवन में ला सकते हैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर पाएंगे। अच्छा ओम शांति। रीमा सिस्टर अभी आगे क्या करना है। ओम शांति।
एक एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हमें लगी आज की मुरली से, तो बाबा ने कहा ना कि अपने जो भी मन में कभी कभी प्रश्न उठते हैं क्या कैसे, तो बाबा कह रहे हैं रोज की मुरली को ही अगर प्रैक्टिकल में नहीं धारण किया है तभी प्रश्न उठते हैं, तो साकार मुरली में बाबा सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो बहुत अच्छे से हमें मुरली भी रीड करनी है। तो सोनाली बहन अभी आप होमवर्क भी दीजिए और योग भी कराइए, थोड़ा टाइम भी हो गया है आपको। जी जी ओम शांति। अच्छा ओम शांति। तो आज जो हमने मुरली में पढ़ा, तो दो तीन बातें जो बाबा ने कही, एक तो लाइट हाउस माइट हाउस की और परवृत्ति माने आत्मिक स्मृति में स्थित रहने की और बाबा को दोस्त बनाने की, तो इसमें से ही हम अपने लिए अभ्यास लेंगे। तो आज दिन भर में हम चेक करेंगे इतने से हम दिन भर में आज अपने लाइट हाउस और माइट हाउस स्वरूप में स्थित होंगे। तो चेक करना है कि दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए कहो या 3 मिनट के लिए कहो या फिर 5 मिनट के लिए भी कहो, बीच बीच में रुककर कर्म करते हुए भी और कर्म से अलग होकर बैठे हुए भी हम इस अभ्यास को करेंगे और निकालेंगे दिन के अंत में कि कितनी बार आज मैंने लाइट हाउस माइट हाउस बना और विश्व की आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन उनको रास्ता दिखाया, जो बाबा ने आज अभ्यास बताया। दिन भर में कितनी बार आज लाइट हाउस और माइट हाउस बनना है, तो यही अभ्यास लेंगे। सेकंड में आत्मा बाबा के साथ जाएंगी, लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में बैठेंगी और देखेंगी कि अपने से वो प्रकाश निकलकर विश्व की अनेक अनेक आत्माएं जो भटक रही है तड़प रही है उनको जैसे कि रास्ता दिखा रही है और वो सारी आत्माएं बाबा की ओर आकर्षित हो रही है ना। तो इसी ड्रिल को, इसी अभ्यास को हम दिन भर में करेंगे। अच्छा ओम शांति। अभी बाबा को याद करते हैं 1 मिनट। सभी स्थित हो जाए, मन बुद्धि को अपने बिंदु स्वरूप में एकाग्र करेंगे। मैं कौन? एक चैतन्य प्रकाश बिंदु, देह का आधार लेकर बिना भिन्न पार्ट को बजा रही हूं। मैं चैतन्य बिंदु आत्मा अलग और इस शरीर 5 तत्वों का जो मिला है वो अलग। मैं चैतन्य बिंदु शक्तिशाली अपने को अपने पिता के साथ अपने घर में अनुभव कर रही हूं। देखेंगे बाबा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, शिव परमात्मा मेरा दोस्त है, उसके साथ मैं सारी बातों को शेयर कर रही हूँ। बहुत खुश हो अपने दोस्त के साथ,
उसके हाथ में हाथ देकर चल रहे हो इस यात्रा में, चारों ओर से जो भी बातें आ रही है अपनी दोस्त के साथ साक्षी होकर सभी के पार्ट को, अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देख रही हूँ। परमात्मा पिता, शिव बाबा, उनके साथ साथ चलते मैं आत्मा भी लाइट हाउस, माइट हाउस बन गई हूँ और मुझसे निकलने वाली प्रकाश की तेजस्वी किरणें विश्व की अनेक अनेक आत्माओं को बाबा की ओर आकर्षित कर रही है। अपने इस प्यारे से दोस्त के साथ बैठकर विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान दे रही हूँ। मैं निराकार आत्मा अब वापस अपने साकार शरीर में स्थित होकर इस साकार सृष्टि में परमात्मा शक्तियों को फैलाते हुए अपनी श्रेष्ठ स्मृति लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा इसमें स्थित होकर आज पूरे दिन में अपने पाठ को साक्षी होकर प्ले करूंगी। शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया सोनाली बहन का, बहुत अच्छे से मुरली की स्टडी कराई, और सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से पॉइंट शेयर किए। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। शांति। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया सभी बहन भाई। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग एवरीवन।